जी असी पहुँच गए हैं जिस जगह की वजह नाल इस हवेली नूं किले का नाम दिता गया, यानी कि शेरगढ़ फोर्ट जिन जि कादे तो कहा जाता सी। जनरल हरी सिंह नलवा की वार पॉलिसी के मुतलक तुहानूं मैं कटास और लाहौर फोर्ट की जिहड़ी वाल है बड़ी डिटेल दे नाल अपने प्रोग्राम USIP दे प्रोग्राम दे विच, अगर तुसी नहीं देखी तो तुसी एक बारी फिर वॉर पॉलिसी जिहड़ी है लाहौर नूं डिफेंड करन दी, लाहौर किले नूं या लाहौर दरबार नूं, वह भी जनरल हरी सिंह नलवा ने ही सुजेशन दित्ती सी महाराजा रणजीत सिंह। सो ये जगह जिहड़ी है बहुत ही कह लो तुसी कि खतरनाक सी उस हवाले नाल, क्योंकि चारों पासे ट्राइब्स सन। वह ट्राइब्स अज भी किसी की एडमिनिस्ट्रेशन या रिट मनन वास्ते वो तैयार नहीं हैं, तो इस वास्ते इस जगह उत्ते सख्त किस्म के मुकाबले जड़े ने वो जारी रहिंदे सन। उन्होंने कुछ निशान जड़े ने जिस तरह कि तुहानू सी लंबियां बंदूकां जड़ियां ने दसियां सी 7 फुट वालियां या 6 फुट वालियां जिन्हां नाल निशाने लाए जाते सी और दुश्मन का ताकुब किया जाता सी किहड़ी जगह सी, आओ चलदे आं दिखाने आं। वाह जबरदस्त जी, तुसी वॉल आर्ट देखो बहुत ही प्यारा है, लेटर ऑन है लेकिन बिल्डिंग नाल बहुत ही अच्छा मिक्स एंड मैच किया। विंडो तुसी देखो, क्योंकि तुहानू लाहौर दे अंदर इदां दीआं बारियां जिहड़ियां ने उह नहीं मिलदीआं। साडा जिहड़ा काम है थोड़ा जिन्ना वह बारीकी नाल हुंदा, यानी कि पहले जिहड़ा सी वुड करविंग जिहड़ी है बहुत बारीकी दे नाल हुंदी हुंदी सी। और सेम तुसी कह सकदे हो जिस तरह कबर टाइप जड़िया ने दो एक साइड ते ने और दो एक साइड ते ने, उस सेंटर दे विच वेंटीलेशन वास्ते जिहड़ी है विंडो रखी गई है। दरवाजे का भी आर्ट जिहड़ा है सेंट्रल पंजाब नालों बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि असी कहने नूं मोटाई का काम किया होया, यानी कि मोटा काम है, बारीकी वाला काम नहीं, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा बारीक जिहड़ी हुंदी है कहने का काशीकारी जिहनूं कहा जांदा, वो काशी नहीं है लेकिन फिर भी ब्लैक टिक वुड या जिहनूं दियार कहा जांदा वो यूज़ किया गया और अज तक अपनी ओरिजिनल हालत में। थोड़ा जिन्ना असं गाइड कर सो जी, अंदर तुसी देख सकते हो जी ये शूटिंग टेरिट्स हैं। ये जिहड़ा ओरिजिनल फोर्ट आसा सिख पीरियड की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है ये उसकी अज रिमेनिंग बकाया जात हैं। इन्हां विच लंबी राइफल्स होंदियां सी उस समाने च ते फायरिंग वास्ते इस्तेमाल होंदा सा, ते जिस तरह असां तुसां पहले दसिया है कि इस इलाके 17 हमले हुए ते 17 दफा ये फोर्ट का कंट्रोल चेंज होया। 1837 तो बाद जिस वेले हरी सिंह नलवे की डैथ हुई जमरोद अंदर, उस तो बाद लाहौर दरबार का उस स्टैचर का उस कद का कोई जरनैल ना सा। तो 1837 तो बाद असी देखते हैं कि हरी सिंह नलवे की डैथ तो बाद ये जेड़े सिर्फ शेरगढ़ फोर्ट नहीं हज़ारे जिया मैं तुसां पहले आखे 80 चौकियां तो फोर्ट सासियां, तो 1837 हरी सिंह नलवा की डैथ तो बाद इन्हों का कब्जा स्लोली स्लोली इतना मुस्तकिल लाहौर दरबार कब्जा कायम नहीं करा गया कि हरी सिंह नलवा बहुत एक उच्चे स्टेचर के जनरल आ से, तो उनकी डैथ जी है उस तो बाद कब्जे चेंज होना शुरू हुआ। देखो ये खैबर पख्तूनख्वा का जो मौजूदा इलाका है जिसको अज असी पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा आखना, इस विच लाहौर दरबार की ओपोजिशन जी है वो 3 सोर्सिस तो आसी। पहली सोर्स अफगान दुरानिया से, लेकिन दुरानिया का कम महाराजा रणजीत सिंह सौ 1819 ही मुका छुड़िया सा। दूआ फिर जिहड़ी रेजिस्टेंस आई वो मकामी ट्राइब्स सियाँ इस इलाके दियाँ, मकामी ट्राइब्स में त्रै चीफ्स से जिन्हों का नाम मुख्तलिफ हिस्टोरिकल बुक्स पर आंदा है इनकलूडिंग उमदत तारीख सोहन लाल सूरी की जी है, वह आसे फतेह खान ऑफ पंचतार, अरसला खान ऑफ जैदा, तो पेंदा खान तनोली, ठीक है। ये 3 चीफ्स से मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के जिन्हें सब तो तवील अरसे तक लाहौर दरबार की मुजहमत की। इन त्रै चीफ्स में पेंदा खान सौन 20 साल तक अपनी मुजहमत जारी रखी। अज जिथा तुसी खले हो ये वो मकाम है जिथा पेंदा खान ते हरी सिंह नलवा के दरमियान एक टकराव रहा, इतना लड़ाइया रही काफ़ी सारे जित सारे तक हरी सिंह नलवा की डैथ नहीं है उस टाइम तक। 17 बार जी 17 बार तुहाडे पुरख जिहड़े ने वड्डे जिन्ने सी ओह किन्ने किन्ने बदले होनी दे 17 बार दे असदा असदी है कि जनरेशन जिहड़ी है कि पेंदा खान 1844 विच उन्हां जहर दे के जनरल धोंकल सिंह असे हज़ारा च उन्हां कतल किया शहीद किया पेंदा खान को, ठीक है। तो इस 17-12 के दरमियान में इतों असदे कबीले की तरफों लीडरशिप पेंदा खान तनोली दी सी, शुरू च उस पास्यों लीडरशिप हरी सिंह नलवा दी सी, लेकिन हरी सिंह नलवा तो बाद
जो छोटे मोटे बाकी जरनेल आए उस तरह इतना उनके बसा की गल ना सी इतना मुकाबले करना क्योंकि उतने क्वालिफाइड ना से जितना हरी सिंह नलवा सा। बिल्कुल शेरगढ़ तो अगर तुम जुलसू अगर पढ़ना का इलाका आंदा है इतना यानी शेरगढ़ किले तो हट के भी बहुत सारे बैटल फील्ड हैं इस इलाके जे असं इतना के लोकल्स हैं असं हूँ भी वो गल याद हैं असं पता है जिस जिस जई पेंदा खान तो हरी सिंह नलवे की जंगा हुई शेरगढ़ जो है सिर्फ नॉर्दर्न मोस्ट है लेकिन इस तो इलावा भी काफ़ी सारी जइया ने इस इलाके जी अज भी असं याद हैं। बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया जी जानदार साहब तुम काफ़ी डिटेल के नाल तुम दसिया तो तुम की मुस्तकबिल की देखते हो क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी जगह देते क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं फ्रेस्को किसी हद तक महफूज है लेकिन 90% कह लो लेकिन 10% जड़ा वो भी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है तो कि हूँ क्योंकि ये तो मतलब कि एक बहुत काबिल जरनैल दुनिया की 10 जड़ियाँ वॉर यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने बेस्ट यानी कि जनरल के तौर के उत्ते उन्होंने दिफाई पोलिसी जी है वह पढ़ाई जाती है तो तुम की कहना चाहोगे खालसा पंथ न की कहना चाहोगे क्योंकि इन्नी वड्डी जगह नू इस तरह रिपेयर करना गो के तुसी आज भी नवाब हो लेकिन वो स्टेट वो सारा कुछ तो उस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले सी तुहाडे 80 तो 100 पिंड जड़े ने वो पानी थले आ गए तुहाडे कोल सारा कुछ जायदादा लै लीती गई जमीना लै लीती गई हूँ तो तुसी खुद भी सारे जॉब्स करते हो तो कि वर्ल्ड हैरीटेज प्रिजर्व करने वाली जिहड़ियां साडियां टीमां ने की उन्होंने नाम तक कोई मैसेज देना चाहोगे तुसी? देखो जी ये मैं जरा समझना ये इस इलाके का सिखा का कलैक्टिव विरसा है इतना असा सारे की हिस्टरी गुजरी है जिड़ी जंगा हुई हैं वो उस जमाने हुई हैं जिस वाले जंगा पिछा सियासी मफादात आ से उस जमाने के अज अस्ते उस किस्म के ना कोई अस्ती दुश्मनी है कि दुए नाल असी एक इलाके के लोग हाँ तो असी चाहते हाँ कि एक एस कलैक्टिव हैरीटेज प्रमोट किया जुले असी कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कि इतना एक म्यूजियम हैरीटेज म्यूजियम तामीर किया जुले जिस के अंदर एक स्पेसिफिक पोर्शन जोड़ा लाहौर दरबार का टाइम आसा क्योंकि जंगा तो इलावा भी काफ़ी हैरीटेज है उस जमाने का कि वो पूरी दुनिया अगर असी शेयर करा एज फार एज जनरल हरी सिंह नलवा की लैगसी की गल है कि असी इतना के लोग उन्होंने किस तरह तो याद करते हैं देखो अस तो इतना एक कहावत है कि एक इंसान की पहचान उसके दुश्मनों के मयार तो आती है ठीक है जी एक इंसान की पहचान उसके दुश्मनों के मयार तो आती है असी अपने खुशनसीब समझे हैं कि असते बडेरिया की जंग हरी सिंह नलवा नाल हुई जी उस जमाने के सब तो बहादुर ते जरनैल दलेर जरनैल से मैं ये समझदा कि इज्जतदार लोग जड़े हैं अपने दुश्मनों की भी इज्जत करते हैं ठीक है जी तो असी वेलकम करते हैं असी सिख हिस्ट्री को भी वेलकम करते हैं असी सिख टूरिस्ट को भी इतना वेलकम करते हैं क्योंकि ये सारे एरियाज असते कलैक्टिव हैरीटेज का हिस्सा हैं पहले इतना असती प्रिंसली स्टेट आसी अज वो सिस्टम खत्म हो गया अज असा को रिसोर्स शायद नहीं कि असी इतनी बड़ी बड़ी शेरगढ़ तो इलावा और भी फोर्ट्स हैं कि उनकी अपकीप असी पर्सनली मैनेज करा तो द वे फॉरवर्ड जोड़ा है जी वो यही है कि हैरीटेज फाउंडेशन असं पार्टनरशिप करनी उसी टूरिज्म करनी उसी उस तरह इन्ह जी इन्ह जइया का मक मुस्तकबिल नज़र आंदा है फ्यूचर नज़र आंदा है। बहुत शुक्रिया जी जानदार साहब ने बड़ा खुल के बड़े ओपनली विचार अपने किए ने जिड़े कि होने चाहिए ने देखो उन्होंने एक बड़ी मैं बहुत अज वधिया गल लगी है कि जोड़े खानदानी लोग होंगे ने कहें कि साडा कोई जो दुश्मन भी है साडा जो लड़न लिए भी आ रहा है ना वो भी कोई साहब हसीयत होना चाहिए वह भी कोई म्यार होना चाहिए कि सानू इस गल फखर है कि साडा मुकाबला जोड़ा सी वो जनरल हरी सिंह नलवा के नाल सी यानी कि सिख दौर का बेस्ट जनरल सी यानी कि तुसी कह लवो कि अगर महाराजा की मौत का कारण अगर कहा जाए तो डेथ ऑफ जनरल हरी सिंह नलवा और बैक दे उत्ते कौन ओही डोगरे सरकार कश्मीर दी और ध्यान सिंह डोगरे हुणी इहदी गल आपां करांगे तुहानूं जदों फोर्ट दे चार चफेरे घुमावांगे तो उस वेले तुहानूं दस्सांगे कि उस वेले गारतगरियां किहड़ियां किहड़ियां होईयां और सन कित्थों कित्थों मारी गई और पंजाब सरकार नूं या लाहौर दरबार नूं डगाण वास्ते अपणियां ने गद्दारियां किंज कीतियां उहदे उत्ते वी चानण पावांगे थोड़ी जिही हवेली नूं उत्तों दिखाओ थोड़ा जिना बारले पासों व्यू कराओ कोर्टयार्ड का देखो किन्ना खूबसूरत इलाका है बहुत ही वधिया करके ग्रीनरी चारों पासों बिल्कुल एक वैली का जिस तरह के एक कह लो तुसी के जिस तरह एक पूरी वादी हुंदी है उस तरीके नल एक जड़ी है हवेली मरकज़ दे विच बनाई गई सी उस वेले जिन्हों के शेरगढ़ फोर्ट किया जाता सी
और लकड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जापजा है और नाल दी नाल अगर तुसी देखो तो कच चूना गेरी और पत्थर जिहड़ा लोकल सैंड स्टोन है इत्थे दा हज़ारे दा ओ ही यूज़ किया गया यानी कि ब्रिक बहुत घट यूज़ हुई है अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है थले वो ब्रिटिश अंपायर दे विच हुई है जिदी वजह नाल ओ कह लो तुसी कि न्यू कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है उहदे विच आउंदा है वरना बाकी जिन्ना भी है वह स्टोन वर्क है और उही सिख आर्कीटेक्चर के मुताबिक तीन तीन फुट मोटिया जड़िया दीवारा ने और बहुत ही सलीके नाल और बहुत ही सोहने तरीके नाल जिहड़ा है वह बिल्डिंग की वेंटीलेशन का भी ख्याल रख्या गया और खूबसूरती का भी ख्याल रख्या गया और इत्थे किसी दौर स्नोफॉल भी होंदी सी बहुत ज़्यादा होंदी सी हुण होंदी है थोड़ी होंदी है लेकिन है कि उस दौर तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा सी फॉरैसट बहुत ज़्यादा सन अगर तुम देखो तो इस साइड के उत्तर हले भी फॉरैसट नज़र आ रहे होंगे पाइन फॉरैसट जी इतने की लोकल पाइन है वो जंगल जड़े ने अज भी आबाद ने मैं हाँ थोड़ा अपना हूँ शाहिद शबीर बाबा जी और तुम देख रहे हो रेडियो साढ़े वाला और असी थानू अज दिखा रहे हैं शेरगढ़ फोर्ट जनरल हरि सिंह नलवा का 201 साल पहले बनाया गया एक किला जिथों के दुरानिया और अफगानिया कंट्रोल करने वास्ते पंजाब विच दाखिल होने तो पहले डका लाया गया सी।